जहानाबाद स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के क्रम में एक महिला को अपराधियों ने पीछे से मारा चाकू। महिला हुई घायल, सदर अस्पताल में हुआ इलाज। जहानाबाद के दक्षिणी की रहने वाली है महिला। दुकान में चोरी की घटना की एक और वारदात। शिवाजी पथ में किराना दुकान में घटना को अंजाम दिया चोरों ने। नकदी सहित 58,000 रुपए का सामान चोर ले भागे। मंदिर चक मोड़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ एक टेम्पो। टेम्पो पर सवार 10 लोग हुए घायल। 7 का इलाज चल रहा है सदर अस्पताल में। एक की स्थिति गंभीर। अस्पताल की कुव्यवस्था का किया गया विरोध। जहानाबाद डेवलपमेंट कमेटी द्वारा सदर अस्पताल के गेट पर कैंडल जलाकर जताया गया विरोध। विरोधात्मक स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों ने आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि अस्पताल की व्यवस्था में सुधार होना जरूरी है। और पुलिस एसोसिएशन एवं पुलिस मेंस एसोसिएशन का हुआ संयुक्त रूप से आम सभा। आम सभा में जिला सहायतार्थ कल्याण कोष का किया गया गठन। कोष में 50, 100 और 200 रुपए की राशि की जाएगी जमा। कभी कभी कुछ घटनाएं चौंका देती है। जिस महिला के साथ घटना घटी वो खुद आश्चर्य में थी। इस महिला का चौंकना तो स्वाभाविक था क्योंकि इनके साथ घटना घटी थी। जिन लोगों ने सुना वे लोग भी चौंक रहे हैं। दरअसल ये महिला अनीता देवी है। जब ये जहानाबाद स्टेशन पर ट्रेन से उतर रही थी तो किसी ने पीछे से एकाएक बिना किसी कारण चाकू मार दिया, जिससे यह बुरी तरह घायल हो गई, जिनका इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में किया गया। यह महिला दक्षिणी की रहने वाली है। इस घटना को देखने के बाद यह प्रतीत होता है कि जहानाबाद स्टेशन पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह की घटना को बेवजह अंजाम दे रहे हैं। जरूरत है ऐसे दिमागी रूप से कमजोर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की, नहीं तो आए दिन जहानाबाद स्टेशन पर न जाने किन किन लोगों के साथ कैसी कैसी ये लोग घटनाएं करेंगे, कहना मुश्किल है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। ट्रेन में चढ़ने से भाई चाकू कोई मारा, हम सोचे ना कि कोई के झोला में कुछ है जो गड़ गया, तो हम इसीलिए इसको दबा के चुपचाप थे। तो एक लेडी साहब हल्ला की ना कि कोई कुछ काट दिया, तो हम अपना कपड़ा देखें तो पूरा फाड़ल हुआ था। तो हम फिर वो आए ना टीटी जी, तो बोले कि तुमको चाकू कौन मारा, किसी से दुश्मनी है? तो हम बोले कि नहीं सर, मेरा दुश्मनी किसी से नहीं है भाई, के हम ऑपरेशन करा के मसौढ़ी से लेके आ रहे थे सतेंद्र डॉक्टर पास से। तब वो चढ़ने से भाई कोई मार दिया, हमको तो एकदम लग रहा था कि क्या करें ना करें, ऐसी पकड़ के खड़ा थे। आपका कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? आ रहे थे मसौढ़ी, चढ़ रहे थे मसौढ़ी, चढ़ने से मैं मार रहा है। आज जहानाबाद आ रहे थे, उतरना था जहानाबाद। अनीता कुमारी, कहाँ घर है? है दक्षिणी घर। जहानाबाद शहरी क्षेत्र में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर चुनौती पेश कर दी है। पिछले सप्ताह हॉस्पिटल रोड में मोबाइल की दुकान की चोरी की घटना में पुलिस अभी पूरी तरह तहकीकात कर भी नहीं पाई थी कि रविवार को रात शिवाजी पथ में जिंदा शाह पहलवान मजार के पास किराना दुकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिसमें नकदी सहित लगभग 58,000 का किराना का सामान चोरों ने किवाड़ तोड़कर चोरी कर ली। दुकानदार की माने तो वह रविवार को रात्रि 8 बजे दुकान बंद कर अपने घर गए थे, जहां रात में ही चोरों ने हाथ साफ कर दिया। किराना दुकानदार को चोरी की घटना की जानकारी तब हुई जब आसपास के दुकानदारों ने सुबह इसकी जानकारी दी। जानकारी के आधार पर जब किराना दुकानदार अपने दुकान पर पहुंचा तो किवाड़ टूटा हुआ पाया और दुकान का शेष सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। दुकानदार के अनुसार लगभग 58,000 का सामान और कुछ नकदी भी चोर ले भागे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है पुलिस की रात्रि गश्ती का कि आखिर रात्रि में सन्नाटे का फायदा चोर कैसे उठा ले रहा है, जबकि रूटीन वर्क के अनुसार पुलिस रात्रि में गश्ती में रहती है या फिर गश्ती के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। जब हम रात में ताला बंद करके 8 बजे से यहाँ से गए तो मतलब घर पर सुबह में जब दुकान खोलने के लिए आए हैं, सुबह में 7 बजे 6:30 बजे हम आते हैं, मतलब 6:30 बजे दुकान खोलने के लिए आए हैं, तो देखें कि मतलब ताला टूटा हुआ, ताला नहीं टूटा हुआ, कमारी कबरा हुआ था, कमारी कबरा हुआ था, और मतलब देखें अपना मतलब गल्ला वाला पैसा उठा है कि नहीं, इधर देखिए इधर देखिए, पैसा उसका मतलब नकदी था, मतलब 28,000 नकदी था, 30,000 का सामान पा रही है। टोटल कितना का सामान गया है? टोटल मतलब हो गया ना 30 और सामान भी ले गया है सामान। हाँ, वही जो महंगा महंगा कीमती कीमती सामान था, बॉर्डर वगैरह सामान वगैरह कीमती कीमती भी ले गया, बाकी चावल वन सब छोड़ दिया।
जहानाबाद जिले के मंदिलचक मोड़ के पास एक टेम्पू दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि दुर्घटनाग्रस्त टेम्पू महद्दीपुर गांव से जहानाबाद आ रहा था। तेज गति से आ रहा टेम्पू मंदिलचक मोड़ के पास संतुलन खो दिया, जिससे टेम्पू असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गया, जिसमें 5 महिला सहित 10 लोग सवार थे। टेम्पू पर सवार सभी लोग इस दुर्घटना में घायल हो गए, जिसमें 7 का इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल लाकर कराया जा रहा है। दुर्घटना के बाद टेम्पू चालक फरार है। घायल सभी व्यक्ति महद्दीपुर गांव के हैं, जो काम से जहानाबाद आ रहे थे। घायलों में सोनी देवी नाम की महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल घटना की सूचना पाकर घायल व्यक्ति के परिजन सदर अस्पताल पहुंचकर घायलों की मदद में जुट गए हैं। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। हम तो घर पर थे, तो हम खाना खा रहे थे, इतने में फोन आया, हमारा भगीना है, फोन आया कि एक्सीडेंट कर गया है। कहाँ पर किया? तो मंदिरचक के सामने किया। तो हम बोले कि कैसा है तुम्हारा? बोला कि हमको हाथ में बहुत काफ़ी चोट है और माँ को कमर में चोट आ गया है, एक और भगना है, एक ठीक ठाक है, लेकिन और बाकी जितने टेम्पू में लोग थे सब लोग को बहुत काफ़ी चोट है। और तब हम वहाँ से तुरंत चल दिए, तो टेम्पू देखे कि यहाँ रोड पर उल्टा हुआ है एकदम साइड में, जहाँ पर कि एक्सीडेंट लाइक नहीं है, जो कहा जाए, तो वहाँ पर उल्टा हुआ देखे। तो हम तो बाई में थे, हम आगे बढ़ते चले आए, उसके बाद हम यहाँ आए। क्या नाम हुआ? हमारा नाम विद्यानंद पांडे। करीब 10 आदमी बैठे हुए थे ऑटो पे, तो वहाँ पे एक गांव है मंदिलचक, वहाँ पे एक टर्निंग है, वहीं पे हम लोग मतलब इतना स्पीड में चला रहा था गाड़ी कि मोड़ा और मतलब उसे संभल नहीं पाया और गाड़ी पलटी मार दिया। तो वहाँ पे हम लोग सब अंदर गाड़ी के नीचे चले गए, और उसके बाद फिर हम चिल्लाए कि कोई है तो आओ। बहुत सारे आदमी वहाँ पे आए और सबको निकाले, और एक्सीडेंट मतलब बहुत भयानक हुआ, सबको बहुत चोट है, और मेरे हाथ में दाहिने हाथ में बहुत चोट है, इससे बहुत तकलीफ है, और सब लोगों को और इसका जल्दी से जल्दी कार्रवाई किया जाए ताकि सबको। क्या हुआ आपका नाम? क्या क्या नाम हुआ? मेरा नाम आलोक कुमार पांडे हुआ। जहानाबाद का सदर अस्पताल खुद बीमार है। दवा नहीं, डॉक्टर नहीं, आईसीयू की सुविधा नहीं, गेट वेल सून जैसे कई स्लोगन लिखे लोगों के एक समूह द्वारा जहानाबाद सदर अस्पताल के गेट पर शांतिपूर्वक विरोध जताया जा रहा था, आक्रोश प्रकट किया जा रहा था। जहानाबाद डेवलपमेंट कमेटी के सदस्यों ने सदर अस्पताल की कुव्यवस्था के विरोध में कैंडल जलाए और शांतिपूर्वक हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रकट करते हुए कहा कि एक कैसा अस्पताल है जहां मरीज की हालत अगर थोड़ी सी भी गंभीर होती है तो उसे तुरंत पटना रेफर किया जाता है। इतने दावे के बावजूद भी यहां के हालात में कोई सुधार नहीं होता दिखता। कहा कि यहां का आईसीयू भवन पूरी तरह तैयार है, लेकिन व्यवस्था शून्य है। इसमें सुधार हो इसके लिए लोगों ने गेट पर मोमबत्तियां जलाई। ये मोमबत्तियां ऐसे लोगों के लिए जलाई गई जो सदर अस्पताल की कुव्यवस्था की वजह से जिंदगी से हाथ धो बैठे। आवाजें तो इसके लिए कई पार्टियों द्वारा कई तरीकों से उठाई गई, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। स्थिति वही है। अब इन लोगों का यह तरीका कितना कारगर होता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। सदर अस्पताल जहानाबाद में ना आईसीयू सही से वर्क कर रही है, आ तो चालू भी नहीं किया गया है। यहाँ डॉक्टर भी लगातार नहीं बैठते हैं। आए दिन जितनी घटनाएं घट रही है, आजकल अगर देखा है 2 हफ्ते के दौरान तो मिनिमम 5 से 6 ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें यंग लड़के का मतलब ये आपका मोटरसाइकिल के माध्यम से हो चाहे सड़क पार करते हुए हुआ है। इस तरह घटनाएं लगातार बढ़ रही है, और उनका सबसे हर मामले में दिखाया तो आज के डेट में वो हमारे बीच में नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ का अस्पताल है। वहाँ जाने के बाद उन्हें समुचित इलाज नहीं मिलता, सिर्फ रेफर कर दिया जाता है, और सड़क हादसे का जो शिकार होते हैं वो रास्ते जाते जाते पटना तक नहीं पहुँच पा रहे, और अमूमन उनकी इस तरह की घटनाएं घट जा रही है। हाँ, इसके लेकर के यहाँ के प्रशासन भी जिम्मेवार है। वो सिर्फ खाना पूर्ति करती है, कुछ दिन बाद आपका अतिक्रमण चलाती है, फिर उसको ख़त्म कर देती है, देन जस की तस स्थिति कुछ दिन बाद वही हो जाती है। और खासकर इसमें सबसे अहम भूमिका जो हमारा सदर अस्पताल जहानाबाद का होना चाहिए, वो जिम्मेवारी से मुकर रहा है, सिर्फ वो अपनी खाना पूर्ति करने के लिए और सिर्फ ये अपनी ड्यूटी पूरा कर रहा है। मांगे क्या? हमारी मांगे हैं आईसीयू को चालू किया जाए,
यहाँ पे नियमित डॉक्टर की तरह जो है शिफ्टिंग किया जाए, और कुछ स्पेशल चीज़ें जैसे जो दुर्घटनाएं आए दिन घट रही है परंतु उसके लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जैसे उनके लिए प्राथमिक उपचार जो होना चाहिए उसकी भी व्यवस्था यहाँ नहीं है, तुरंत उन्हें रेफर कर दिया जाता है। अभी ताज़ा घटना है जो अभी विशाल नाम का एक लड़का जो डेथ किया है, DAV का स्टूडेंट था, और वो 32 आपका दर्दा पुल के पास जो टैंकर के थ्रू जो मतलब घटना घटी, और मात्र उसे लगता है कि उसको यहाँ प्राथमिक उपचार के लिए सही समय पर लाया गया था, परंतु इन्हें मतलब हल्का मेडिसिन देने के बाद तुरंत रेफर कर दिया गया, और वो लड़का अमूमन मसौली भी नहीं जा पाया और बीच रास्ते में डेथ कर गया था। तो ये चीज़ें बहुत ही खलता है और ये आए दिन होती जा रही है, और इसमें प्रशासन और अस्पताल प्रशासन दोनों मौन है। आप लोग क्या कर रहे हैं? और हम लोग एक कैंडल के माध्यम से सिर्फ उन्हें हम कहना चाह रहे हैं कि आप जागिए, क्योंकि आपके थ्रू हमारा भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, हमारे आपके बीच के बच्चे हैं, ये अपनी जान गंवा रहे हैं, जिम्मेवारी आपकी थी, आप उन्हें नहीं सेवा दे पा रहे हैं, आप जागिए, आप जागेंगे हमारा समाज जागेगा, और जो जो मौतें हो रही है वो रुकेगा। जहानाबाद के जिला पुलिस बल ने आपसी सहमति से कल्याणकारी कार्य अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए बिहार पुलिस एसोसिएशन एवं बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से एक आम सभा की और जिला सहायतार्थ कल्याण कोष का गठन कर लिया। पुलिस क्लब जहानाबाद में आयोजित इस आम सभा में सबसे पहले उन शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया गया, जो भारतीय सीमा पर तैनात जवान एवं बिहार पुलिस तथा बिहार सैन्य पुलिस के जवान मुठभेड़ एवं अन्य कारणों से शहीद हो गए। इसके बाद आम सभा से एक प्रस्ताव पास हुआ जिसके तहत गंभीर रूप से अचानक बीमार पड़े जवान एवं दुर्घटनाग्रस्त जवानों को आर्थिक मदद दिया जाएगा। इसके लिए सहायता कल्याण कोष का गठन किया गया। इस कोष में 50 रुपया, 100 रुपया एवं 200 रुपया की राशि वेतन मत से दिया जाएगा। इस आम सभा के बाद पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य जवानों के परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता पहुंचाना है, जिसके लिए जिला सहायता कल्याणार्थ कोष का गठन किया गया है। चंदन मिश्रा आजकल के लिए। जहानाबाद जिला सहायतार्थ कल्याण कोष का गठन हेतु आम सभा बुलाया गया है। इसमें हम लोग पारित सभी सदस्यों की ओर से हो जाता है कि हमारे वेतन की राशि से 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया पर मंथ जिला सहायतार्थ कल्याण का अपना हो, ये जिला सहायतार्थ कोष के लिए कटे, और उस राशि से हम उन पुलिस कर्मियों को जो गंभीर रूप से अचानक बीमारी हो जाती है उनमें तत्काल हम लोग उनको उस कोष से राशि मुहैया कराएंगे। कोई एक्सीडेंटल घटना हो जाती है उसमें उनको वो राशि मुहैया कराएंगे। ये सिर्फ हम लोग का पुलिस कर्मी दोनों संवर्ग के बिहार पुलिस में एसोसिएशन एवं बिहार पुलिस एसोसिएशन और लिपिकीय संवर्ग के ओर से ये कोष का गठन किया जाता है। जहानाबाद स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के क्रम में एक महिला को अपराधियों ने पीछे से मारा चाकू, महिला हुई घायल, सदर अस्पताल में हुआ इलाज। जहानाबाद के दक्षिणी की रहने वाली है महिला। दुकान में चोरी की घटना की एक और वारदात, शिवाजी पथ में किराना दुकान में घटना को अंजाम दिया चोरों ने, नकदी सहित 58,000 रुपए का सामान चोर ले भागे। मंदिर चक मोड़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ एक टेम्पो, टेम्पो पर सवार 10 लोग हुए घायल, 7 का इलाज चल रहा है सदर अस्पताल में, 1 की स्थिति गंभीर। अस्पताल की कुव्यवस्था का किया गया विरोध, जहानाबाद डेवलपमेंट कमेटी द्वारा सदर अस्पताल के गेट पर कैंडल जलाकर जताया गया विरोध। विरोधात्मक स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों ने आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि अस्पताल की व्यवस्था में सुधार होना जरूरी है। और पुलिस एसोसिएशन एवं पुलिस मेंस एसोसिएशन का हुआ संयुक्त रूप से आम सभा। आम सभा में जिला सहायतार्थ कल्याण कोष का किया गया गठन। कोष में 50, 100 और 200 रुपए की राशि की जाएगी जमा।